बताते चले अभी की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आई है वो 21 फरवरी हिजबुल मुजाहिदीन को एक बड़े झटके में संगठन का लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम सोमवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी में मारा गया। सोमवार शाम को रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर एक हमलावर ने पीर को गोली मार दी जिससे पीर की मौत हो गई। 4 अक्टूबर की को केंद्र ने उसे गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया, जिसमें प्रतिबंध संगठन के आतंकवादियों को विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ के लिए रस्त प्रदान करने सहित आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भूमिका थी। अगर बात करते चले मूल रूप से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बारबरपोरा इलाके का रहने वाला पीर उर्फ इम्तियाज आलम उर्फ हाजी पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहता था। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि पीर हिजब उल मुजाहिदीन लश्कर ए तैयबा और अन्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आतंकवादियों और अन्य केंद्रों के एकजुट करने के लिए कई ऑनलाइन प्रचार समूहों में शामिल था। पीर पर 23 मई 2019 को कश्मीर में अलकायदा की शाखा आसार गजवत उल हिंद के मुख्य कमांडर जाकिर मूसा को मारने का आरोप लगाया गया था। मुसावर कश्मीर पाकिस्तान के रिट की खुली अवहेलना दिखा रहा है। और वही बात करते चले मार्च 2007 में पीर को पाकिस्तानी सेना के सैन्य खुफिया निदेशालय ने अपने उत्तरी डिवीजन कमांडर मोहम्मद शफी डार को मजबूत करने के लिए 12 पुरुषों की एक इकाई भेजने के बाद हिरासत में लिया था। हालांकि ISI के आदेश पर उन्हें जल्द ही रिहा भी कर लिया गया। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जो है वो 21 फरवरी यानी आज के दिन हिजब उल मुजाहिदीन को एक बड़े झटके में संगठन का लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम सोमवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी में मारा गया। ये थी अभी की सबसे बड़ी अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत।